रस के भरे तोरे नैन सांवरिया, रस के भरे तोरे नैन सांवरिया, ए दे सांवरिया। कहते हैं दिल में जो बसता हो उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गौहर जान ने अपनी पहली आवाज दी। गौहर जान पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। चैताली रॉय की डायरेक्शन में इस फिल्म को बनाया गया है। चलिए हम और आप भी देखते हैं इस फिल्म की कुछ झलकियाँ। गहन प्रशिक्षण और अभ्यास की कठिन तपस्या के पश्चात गौहर जान हिंदुस्तानी संगीत के पर्याय के रूप में उभरी। एक प्रतिभाशाली नृत्यकी और गायिका होने के साथ साथ वह अपनी कविताओं और हाजिर जवाबी के लिए भी मशहूर थी। इतिहासकारों के शब्दों में उन्हें इस तरह परिभाषित किया गया और इसी को गौरव क्रिएशन की तरफ से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है चैताली रॉय ने। गौहर जान की भूमिका में भी वो खुद नजर आ रही। गौहर जान 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 20वीं सदी तक कला की दुनिया में छाई रही। वह पहली कलाकार थी जिनकी आवाज में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहली ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की गई। शंकर शिव महादेव ईश्वर हर डमरू कर त्रिशूल धर वाम कर ऋषभ वाहन गंगाधर। 19वीं शताब्दी अस्त हो रही थी और 20वीं शताब्दी का उदय काल हुआ। उस जमाने में भिन्न प्रकार के संगीत कलाकारों को अलग अलग नाम दिया जाता था। रूपत गाने वाले कलावंत, पखावज बनाने वाले जसवंत, मलका जान यानी गौहर की माता और गौहर जान के पेशे की महिलाओं को तवायफ कहा जाता था। गौहर जान के समय में नौटंकी और मुजरा मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मुजरा नृत्य और संगीत का कलात्मक संगम था जिसे तवायफों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इस तरह गौहर जान कला संपन्न महिला थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए तबला वादक उस्ताद सबीर खान, उद्योगपति संजय बुधिया, वेस्ट बंगाल MIC अतीन घोष, गायिका मधु छंदा, गार्गी और भी कई लोग शामिल थे। फिल्म के कुछ कलाकारों ने हमारे साथ शेयर की अपनी एक्सपीरियंस। गौहर जान फिल्म के अदाकारा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बर्नाली दे। इन्होंने फिल्म में बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें इस फिल्म में काम करके कैसा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आप बताइए कि कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करके और आपने कौन सा कैरेक्टर इसमें प्ले किया। एक्चुअली जो प्ले मैंने की थी वो गौहर जान की कोई दोस्त की रोल है वो, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट प्ले है तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी सुने थे कि शूटिंग ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन भाग लेने के बाद मुझे थोड़ा सा थ्रिल महसूस हुआ कि मैं भी एक वहाँ फिल्म में भाग ले रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये भी बातें जानना चाहूँगी कि कैमरे में आने से पहले अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं, आपको कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, जो लोग साथ में थे वो लोग इतना हेल्पफुल थे कि हमको महसूस ही होने नहीं दिया कि ये शूटिंग चल रहा है, तो हो गया। यहाँ पे मैंने तब्बास का रोल प्ले किया है। गौहर जान का जो हस्बैंड था उसका नाम था अब्बास, मैंने उसी का रोल प्ले किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, हम सभी लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छा लगा। आखिर गौहर जान को ही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि जो चीज़ सबकी आँखों के सामने से गुम हो जाता है उसे सामने लाना हम लोगों की जिम्मेदारी है,
तो ये जिम्मेदारी चैताली ने अच्छी तरह निभाया है, ये तो आप लोग सब ने ही देखे हैं, तो अपना फ़र्ज निभाया है, जो हम लोगों का फ़र्ज है वो निभाया है, बस ये। देखिए, कोशिश अगर अंदर हो ना तभी तो सक्सेस मिलता है, तो ये कोशिश तो हम लोगों के सबके अंदर था। नेक्स्ट क्या कुछ करने की सोच रहे हैं इसके? इसके बारे में पहले तो हम सोचते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स में जो है वो सारे भेजेंगे, फिर वहाँ पर जो होता है वो देखेंगे, फिर 6 मंथ के बाद हम सोच रहे हैं कि इसका DVD बना के फिर मार्केट में इसके कमर्शलाइजेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री सब समय बोरिंग है, किंतु ये डॉक्यूमेंट्री फीचर मैंने पूरा मन हल एक सिनेमा देखल खूब ही भलो और सब बड़ा हो ये गौहरजान एक जीवन कहनी जेटा एत एक पर्णमय इतिहास से मन हल खूब चलमान चोखर सामने जीवंत मन हल तो खुबी यटार पिछने अनेक परिश्रम अनेक अध्यवसा अनेक साहित्य एवं इतिहास चर्चा हो बोझा जा खूब जत्न कर পুরো বিষয়টাই খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। নট মেনি ফিচার ফিল্ম ক্যান হোল্ড অ্যাটেনশন টু দিস এক্সটেন্ট, ইউ নো হোয়াট আই হ্যাভ রিয়েলি এনজয়ড, ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং মুভি। কুছ লোগো সে ভি পুছতে হ্যায় অর দেখতে হ্যায় উনহে ইয়ে মুভি ক্যাসি লাগি। গৌহর জান কি মুভি হাম সবনে দেখা হ্যায়, কেমন লাগে? ভীষণ ভালো লেগেছে, নামটা তো শুনেই গৌহর জান যেহেতু খুব একটা আমাদের কাছে একটা হিস্টোরিক্যাল এবং একজন মেয়ে হিসাবে ওনাকে তো আমাদের প্রত্যেকেরই একটা প্রশ্ন থাকে যে কী ছিলেন, কিন্তু লিমিটেশন ছিল আমাদের জানার। এখানে এসে মানে অবাক হলাম যে ওনার বিভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে জানতে পারলাম, এবং এত ভালো করেছেন চৈতালি, এবং এত ডেপথ এবং এত গভীরতা দিয়ে উনি জিনিসটাকে তৈরি করেছেন, যেন মনে হলো পুরো সৃজন করেছেন। গৌহরজান ভাই বড়ি মালিকাকে নিয়ে একটি ডকু ফিচার তৈরি করেছেন, গৌরব ক্রিয়েশন, স্ক্রিপ্ট, মিউজিক, ডিরেকশন এবং গৌহরজানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চৈতালি রায়। সাক্ষাৎ গৌহরজান আমার সাথ মৌজুদ হ্যায় ইস ওয়াক্ত, উনসে বাতে করতে হ্যায় অর দেখতে হ্যায় কি উনহে আখির গৌহরজান বনকর লাগা কেসা। Actually, Gouhar was the first voice of India. Actually, jab 1902 saal mein first Indian gramophone, British gramophone company first record kiya tha, to wo voice tha Gouhar ji ka. To actually this time the new generation ke to unke bare mein to kuch pata hi nahi hai na, to hum socha ki ye hum log ka to farz banta hai ki jo purana jo log hai तो उन लोगों के बारे में तो जानकारी हम लोग न्यू जनरेशन को देना ही है ना। कितना टफ लगा गौहरजान के किरदार को निभाने में? एक्चुअली बहुत टफ ही था, क्योंकि ये तो बहुत पुराने ज़माने का है, तो उस टाइम का पूरा हिस्ट्री, उस टाइम का सब कुछ, ड्रेस, कॉस्ट्यूम और सारे सब सामान, सारे सेट, ये सब हम लोग तो बहुत छोटा मोटा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उसके लिए तो ये बहुत गौहरजान ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया था और हम सब ये एक पिक्चर के माध्यम से समझ पाए हैं, देख पाए हैं। उनकी यादें हमारे दिलो दिमाग से निकल चुकी थी, पर ये फिल्म देखने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्री फीचर देखने के बाद वापस से वो हमारे दिल में उजागर हो चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को उनकी ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी।